खबर चंपावत से। आदर्श चंपावत बनाने की ओर एक कदम और बढ़ा चंपावत। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर किया। प्रथम चरण में 137 विद्यालय चुने गए इस अभियान में, जिसमें पढ़ने वाले लगभग 5500 बच्चे होंगे लाभान्वित। शुभारंभ के अवसर पर 10 विद्यालयों को संपर्क टीवी डिवाइस और शिक्षा किट मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार कर बेहतर शिक्षा को आसानी से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। चंपावत जिला शिक्षा का बनेगा हब। आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड की ओर बढ़ने में संपर्क अभियान एक नई शुरुआत और श्री गणेश है। विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं संचालित होंगी। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का चंपावत में बनाए जा रहे कैंपस का विधिवत रूप से शासनादेश हुआ जारी। चंपावत जिले के सभी विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण सहित सभी में आवश्यक सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक आधुनिक शिक्षा पहुंचाने का कार्य संपर्क फाउंडेशन सरकार के सहयोग से कर रहा। राज्य के सरकारी स्कूलों में अभिनव और अपनी तरह का पहला अध्ययन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार और संपर्क फाउंडेशन की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री ने जीआईसी चंपावत में छात्रावास बनाए जाने की घोषणा की। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से सभी हमारे 137 जो हमारे विद्यालय हैं वो सारे के सारे स्मार्ट क्लासरूम के रूप में, नई डिवाइस के रूप में, नई नव शिक्षा के नवाचार अपनाएंगे। और ये हमारा पहला जनपद है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है। और जनपद हमारा क्योंकि आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में हमारे बच्चों को नवाचार मिले, स्मार्ट क्लासेस मिले, स्मार्ट ब्लॉक मिले, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत सीखने का। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में गुणोत्तर रूप से बढ़ोतरी करने के लिए ये कार्यक्रम हमारा बहुत प्रभावी होगा। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि सभी हमारे शिक्षक गण हमारे जनपद के वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को नई दिशा में शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।